हाथ उठा के बेटी हाथ उठा के बीजेपी यूनिट कुलगाम की ओर से आज नेशनल हाईवे काजीगुंड से लेके दिवसर कुलगाम तक एक तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें जो है साबिक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आबिद खान और बीजेपी के एग्जीक्यूटिव मेंबर यहां पे शामिल हुए हैं, और इसके साथ साथ काफ़ी सारे जो सीनियर लीडरान हैं उन्होंने यहां पे इस रैली में हिस्सा लिया। आबिद साहब ये बता दीजिए कि किस तरीके का जो रैली है इसमें हिस्सा लिया है जी। ये एक हिस्टोरिकल रैली है दिवसर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जम्मू कश्मीर में वाहिद बीजेपी की तरफ से सबसे बड़ी रैली आज इनका हुआ। हम यहाँ पीस प्रोग्रेस डेवलपमेंट का प्रोग्राम दे रहे हैं। हम कहना चाहते हैं नेशनल कांग्रेस पीडीपी को, यहाँ के युवा बुजुर्ग माएँ बहने जम्मू कश्मीर में आज़ादी चाहते हैं। नेशनल के चुंगल से जो यहाँ पे लोगों को मुसीबत डाया उन्होंने, वो लोग चाहते हैं पीडीपी से आज़ादी। जिन्होंने यहाँ बैकडोर एंट्रीज की वो चाहते हैं कांग्रेस से आज़ादी। जिन्होंने यहाँ पर लोगों के ऊपर खंजर बोका है। एक और यहाँ पे जो लीडर है वो मौजूद है, फारूक साहब, जिन्होंने हाल ही में पीडीपी से जो इस्तीफा दिया है और उन्होंने बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो फारूक साहब क्या कहना चाहेंगे जी? मैं ये कहना हूँ कि एक पीसफुल है हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, जो इंडियन जो हमने हिंदुस्तान की यहाँ हमारी हुकूमत है वहाँ हुकूमत के बाद ये पहली रैली हमने यहाँ निकाला है। बहुत बढ़िया, हमें बहुत मतलब ये लोगों का ये बहुत मतलब अपना ये एक इंश्योरेंटी है कि मतलब इनको ये करना ही करना था, लेकिन उन्होंने हमें लोगों ने तंग किया बहुत बार उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पीसफुल एक जलसा निकालेंगे यहाँ हम निकाल। लोगों को ये मैसेज होना चाहिए, लोग भी खुश हैं इसमें हैं, लोग भी खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं, सब खुश है, इसलिए हमने ये यहाँ निकाला है। ना कि सीनियर लीडर जो इस रैली में शामिल हो रहे हैं, बल्कि यहाँ पे यूथ भी, यहाँ पे हमने देखा कि यूथ भी इस रैली में शामिल हो रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? यही बताना चाहेंगे कि जो आज इस रैली का जो मुद्दा मकसद है ये यही है कि हर घर तिरंगा हो, अमन हो, भाईचारा हो, क्योंकि हम जो हमारा जो देश है हिंदुस्तान वतन है, हम अपने देश के लिए जान भी देने के लिए हाजिर हैं। तो जिस तरीके से देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की आन बान और शान के लिए यहाँ पे जो है रैली निकाली गई, यहाँ पे कुछ सीनियर जो लीडरान है मोहम्मद रफीक साहब, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं जी। रफीक साहब बता दीजिए कि किस तरीके की रैली है और क्या पैगाम देना चाहेंगे आज इस रैली के? देखिए ये तिरंगा जो है हमारी आन बान और शान है। अभी 70 सालों से नेशनल कांग्रेस पीडीपी ने इस झंडे से आम कश्मीरी को नामूरूम रखा था, दूर रखा था, लेकिन 2019 के बाद आज हर घर में तिरंगा है। ये हमारी आन बान शान है और एक मैसेज है उन ताकतों को जिन्होंने यहाँ पे लोगों को अपाहिज किया, जिन्होंने यहाँ पे बम ब्लास्ट किया, जिन्होंने यहाँ पे कैलेंडर्स निकालते थे, वो सारा खत्म हुआ है। हम एक है कश्मीर टू कन्याकुमारी, इंडिया इज वन। हम देश के साथ प्यार करते हैं, देश के साथ मोहब्बत करते हैं, देश हमारी शान है, देश हमारे दिल में बसते हैं। आज हर जो छोटा बच्चा भी स्कूल में पढ़ता है उसके हाथ में भी आज तिरंगा है। यही एक मैसेज है कि हम उस मुल्क के रहने वाले हैं जो सबसे लार्जेस्ट कंट्री है और जिसमें सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो हम उस मुल्क के रहने वाले हैं। तो यही मैसेज है तिरंगा यात्रा। तो हम 1 तारीख से अभी तक चालू 14 दिन में हम चालू कर रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज। आज दूसर में हम तिरंगा यात्री कर रहे हैं, तो कल हमारा डिस्ट्रिक्ट वाइज में भी प्रोग्राम तिरंगा यात्रा के होंगे, फिर गवर्नमेंट प्रोग्राम में हम जाएंगे। वही के मैसेज है कि हुबली वतन होना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे इस्लाम में भी कहा गया है कि मुल्क के साथ मोहब्बत रखना बहुत लाजमी है। तो सीनियर लीडरान का कहना है कि हुबली वतन जो है वो ज़रूरी है, कहीं ना कहीं जो मुल्क की आन बान और शान के लिए ये तिरंगा जो है जो ये रैली है वो निकाली गई है। कश्मीर उज़्मा के लिए मैं काजीगुंड कुलगाम से आज़र हुसैन।